हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख राजवंश के विषय में, जो कि रीट एसएसटी के सिलेबस में नया जोड़ा गया टॉपिक है। पिछली क्लास में हमने चौहान वंश के विषय में बात की थी, पूरी डिटेल में हमने उसको डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो के अंदर कुहिल वंश के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों लिखा हुआ थोड़ा आपको कम मिलेगा, आपको ध्यान स्क्रीन पे देना होगा। हम यहाँ पर बहुत सारी बातें जो हैं इस वंश के संबंध में करने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसे कुछ ही घंटे के अंदर जो है समाप्त करने का प्रयास करेंगे। कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम दो वीडियो के अंदर आपका ये जो गुहिल वंश है वो कंप्लीट हो जाए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत बड़ा इतिहास इनका रह जाता है। क्योंकि परीक्षा में समय कम है, इसी आधार पर हम इसको कम से कम समय में और सारे फैक्ट को देखते हुए पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं गुहिल वंश कहाँ का था। तो हम बात करते हैं मेवाड़ का गुहिल वंश के विषय में, क्योंकि गुहिल वंश का जो नाम जुड़ा हुआ है वो मेवाड़ के साथ में ही जुड़ा हुआ है दोस्तों। और मेवाड़ के लिए हम एक शब्द प्रयोग किया करते हैं, वो है उदयपुर। और उदयपुर जो राज्य है, इस उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था दोस्तों? सीवी, या फिर हम इसे कहते थे कीवी। सीवी या कीवी के नाम से अपने इसको जानते थे। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी थी मध्यमिका। सीवी जनपद की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? मध्यमिका थी। इसे वर्तमान में नगरी भी कहते हैं अपने दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए सीवी की राजधानी कौन सी थी, मध्यमिका थी। इसे अपने आज के समय में वर्तमान में नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर जो अधिकार हुआ करता था, जो जाति रहती थी वो थी मेर जाति। मेर जाति का यहाँ पर निवास स्थल हुआ करता था दोस्तों। और इस मेर जाति का हमेशा चलता रहता था संघर्ष, संघर्ष चलता था वो इनका मलेच्छों के साथ में। और ये मलेच्छों को क्या करते थे? मारते थे। इसलिए मलेच्छों को मारने वाला हम कहते हैं मेदपाट को। इसलिए इस स्थान के लिए मेदपाट शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, मेदपाट या फिर प्रागवाट। ये दोनों शब्द ही इस स्थान के लिए प्रयोग में लेते हैं अपने दोस्तों। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो मेदपाट है इसी का नाम हो गया मेवाड़। क्या हो गया दोस्तों? मेवाड़। और मेवाड़ की राजधानी बनी उदयपुर। और बाद में दोस्तों उदयपुर राज्य शब्द का ही प्रयोग होना शुरू हो गया, और बाद में तो इसे उदयपुर राज्य ही कहा जाना शुरू हो गया दोस्तों। अब हम बात करें इस मेवाड़ राज्य की, तो मेवाड़ राज्य के जो राजा हुआ करते थे वो स्वयं को मानते थे राम के वंशज। क्या मानते थे दोस्तों? राम के वंशज ही अपने आप को मानते थे। और इसी कारण से उस समय के जो भाट हैं, जो उसके बारे में लिखते हैं, तो इनके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो है रघुवंशी, या फिर हम कहें हिंदुआ सूरज। यहाँ के शासकों के लिए हिंदुआ सूरज शब्द का प्रयोग भी किया गया है दोस्तों। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात अपने ये भी कह सकते हैं, ये जो अपना गुहिल वंश है ये राजस्थान का प्राचीनतम है दोस्तों। ये राजस्थान का प्राचीनतम राजवंश माना जाता है, और न केवल राजस्थान का बल्कि ये विश्व के भी प्राचीनतम राजवंशों में आता है। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है दोस्तों। बड़ा थोड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना होगा, और हम सारी बातें यहाँ पर बड़े अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे अपने बात कर लेते हैं गुहिलों की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से मत यहाँ पर प्रचलित हैं। तो यहाँ पर जो पहला मत आता है वो है अबुल फजल का। किसका आता है दोस्तों? अबुल फजल का। और अबुल फजल क्या कहते थे कि ये जो मेवाड़ के गुहिल हैं वो ईरान के बादशाह, कहाँ के बादशाह? ईरान के बादशाह नौशे खां आदिल के वंशज हैं। किसके वंशज हैं? नौशे खां आदिल के वंशज हैं। और ये माना जाता है कि नौशे खां आदिल का एक बेटा हुआ करता था नौशे खां नौशेजाद। कौन हुआ करता था दोस्तों? नौशेजाद हुआ करता था। और नौशेजाद जो है ये अपना प्राचीन धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता है, और बड़ी सेना के साथ में हिंदुस्तान यानी कि भारत में आता है। यहाँ फिर वो अपने पिता के साथ लड़ने के लिए ईरान पर चढ़ाई करता है, और वहाँ पर जा करके मारा जाता है दोस्तों। तो इसकी मृत्यु हो जाती है ईरान में। और ये तो देखिए मृत्यु हो गई, लेकिन इसकी संतानें जो हैं वो हिंदुस्तान में ही रह गई, यानी इस नौशेजाद की जो संतानें हैं वो यहीं पर रह जाती हैं। और इसी के जो वंशज हैं जो आगे चल करके क्या कहलाते हैं? गुहिल कहलाते हैं दोस्तों। ये एक मत हमारे यहाँ प्रचलित है।
इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, गोपीनाथ शर्मा की बात करें तो गोपीनाथ शर्मा दोस्तों क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि गुहिल जो हैं मूलतः आनंदपुर के रहने वाले थे। इसके लिए एक और शब्द आपने इतिहास में पढ़ा होगा, बड़नगर, यहाँ के रहने वाले थे और ब्राह्मणों के वंशज हुआ करते थे दोस्तों। किसके वंशज थे? ब्राह्मणों के वंशज थे और यहीं से आकर इन्होंने मेवाड़ में राज्य की स्थापना की थी। एक मत हमारे पास में यह भी आता है दोस्तों। इसके अलावा एक मत हमारे पास में सूर्यवंशी होने का भी आता है। इसके बारे में, सूर्यवंशी होने के बारे में ओझा मुहूर्त नैण सिंह हैं, ये भी इसको मानते हैं दोस्तों, ये इनके द्वारा कहा गया है दोस्तों। इसके अलावा एक बात हम कहें, आहड़ शिलालेख, आहड़ शिलालेख की अगर अपने माने तो गुहिल कौन थे? गुहिल ब्राह्मण हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? ब्राह्मण हुआ करते थे। अब देखिएगा टोड, टोड क्या कहते हैं? टोड ये मानते हैं कि गुहिल जो थे वल्लभी के राजा शिलादित्य के वंशज हैं। ये मत काफ़ी प्रचलित भी है, शिलादित्य के वंशज माने जाते हैं। और ये कहा जाता है कि सूर्यवंशी महाराजा कनकसेन जो हुआ करते थे उसकी आठवीं पीढ़ी के अंदर शिलादित्य नाम का एक राजा हुआ था, जिसने मलेच्छों के आक्रमण पर करने पर वल्लभी को तहस नहस कर दिया गया था और शिलादित्य जो था उसके शासनकाल में ही मलेच्छों का आक्रमण हुआ था दोस्तों। तो शिलादित्य के ही ये वंशज अपने मान करके चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ थोड़ी सी आगे हम बात कर लेते हैं शिलादित्य के विषय में। किसके विषय में? आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी शिलादित्य के विषय में बात कर लेते हैं। हालांकि ये एक बड़ी अजीब सी घटना लगती है, लेकिन ये सुना हुआ है, जैसा किंवदंतियों में आता है तो उसी की अपनी बात कर लेते हैं। हालांकि ये मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी प्रश्न आए, लेकिन एक स्टोरी और एक आगे लाइन में चलने के लिए हमें इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा दोस्तों। ये कहा जाता है कि गुर्जर जो प्रदेश था उसमें कैहर नाम का एक नगर हुआ करता था। कौन सा नगर था? केहर नाम का नगर हुआ करता था, जहाँ पर देवादित्य नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था और एक उसकी पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था सुभागा देवी। कौन रहा करती थी दोस्तों? सुभागा देवी रहा करती थी। और सुभागा देवी जो क्या होती है, विवाह की पहली रात में ही विधवा हो जाती है। विधवा हो जाने के बाद सुभागा देवी जो है तपस्या करती है और उसे जो है उस गुरु के द्वारा, सुभागा देवी के गुरु के द्वारा एक बीज मंत्र को दिया जाता है, बीज मंत्र देती है, उसको दे दिया गया था। लेकिन एक दिन असावधानी से सुभागा देवी जो है उस बीज मंत्र का उच्चारण कर लेती है और उच्चारण के बाद में सूर्य भगवान आते हैं, सूर्य भगवान प्रकट होते हैं और सुभागा जो देवी है उसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो देवादित्य जो है लोकलाज के भय से उसे वल्लभीपुर भेज देता है। कहाँ पर भेज देता है दोस्तों? देवादित्य जो है अपनी पुत्री को वल्लभीपुर भेज देता है, जहाँ पर उसे एक पुत्र का जन्म होता है दोस्तों। लेकिन जब भी उसके सहपाठी उससे पिता का नाम पूछते थे तो उसको अपमानित किया करते थे दोस्तों। तो ऐसा करते करते उसका समय व्यतीत हो रहा था। शिलादित्य एक दिन अपनी माता के पास जाता है और अपने पिता का नाम पूछता है दोस्तों, बड़े जोर से, और ऐसा कहता है कि अगर आपने नाम नहीं बताया तो मैं आपको मार डालूंगा दोस्तों। तो ऐसा सुनने के बाद में सूर्य भगवान तक बात पहुंचती है और सूर्य भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं और सूर्य भगवान उसे एक पत्थर का टुकड़ा देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? एक पत्थर का टुकड़ा देते हैं और ये कहते हैं कि इसको अपने हाथ में रखकर तुम जिसे भी छू लोगे वो तत्काल गिर जाएगा या मर जाएगा। इस तरह की बातें हमें सुनने में आती हैं और ऐसा कहा जाता है कि शिलादित्य जो है वो उस पत्थर की मदद से ही वल्लभीपुर के राजा को, जहाँ पर उसको भेजा गया था, उसको पराजित करता है और वहाँ का राजा बन जाता है दोस्तों। और उसी समय उस लड़के को नाम भी दे दिया जाता है, कौन सा? शिलादित्य, क्योंकि शिला से उसको सब कुछ प्राप्त होता है, इसलिए शिलादित्य कहा जाता है दोस्तों। अब आगे जो घटनाक्रम चलता है वो शिलादित्य से ही चलता है। शिलादित्य पर मलेच्छों का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है दोस्तों? मलेच्छों का आक्रमण होता है और उनका सामना करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है। मलेच्छ जो हैं वल्लभीपुर को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। शिलादित्य की सभी रानियां भी उसके साथ में सती हो जाती हैं, लेकिन एक रानी उसकी रह जाती है, पुष्पावती। अब ये जो पुष्पावती है ये पुत्र की मन्नत मांगने के लिए आबू गई हुई
होती है। कहाँ गई हुई होती है दोस्तों? आबू गई हुई होती है, क्योंकि ये क्या थी दोस्तों, उस समय गर्भवती थी, लेकिन यहाँ पर अपने पिता के घर से जब ये वापस जा रही होती है वल्लभीपुर, तो इसे रास्ते में ये सूचना मिलती है किस प्रकार से जो उसके पति देव हैं उनका देहांत हो गया है, और वो भी सती होना चाहती है, लेकिन अब उसके संतान होने वाली थी इसलिए वो सती नहीं होती है दोस्तों। और वहाँ से वो अपनी सहेलियों के साथ में एक गांव है मल्लिया गांव, वहाँ पर आ जाती है, वहाँ एक गुफा के अंदर शरण लेती है। कहाँ शरण लेती है दोस्तों? एक गुफा के अंदर शरण लेती है, वहीं पर उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। इस गुफा के पास में एक गांव था जिसका नाम था वीरनगर, जिसमें एक कमलावती नाम की ब्राह्मणी होती है, कमलावती नाम की एक ब्राह्मणी होती है। अब रानी पुष्पावती क्या करती है, उसे अपने पास में बुलाती है और अपने पुत्र को उसे सौंप देती है और कहती है कि इसका लालन पालन जो है वो आज से तुझे ही करना है, हमेशा तुझे ही संभालना है, और वो उसको अपने पुत्र की भांति रखती भी है दोस्तों। और उसके बाद में वो स्वयं जो पुष्पावती है वो सती हो जाती है। अब वो जो बालक है वो कमलावती के पास में आ जाता है, कमलावती ही उसे पूरी तरह से सार संभाल करती है, बड़ा हो रहा होता है। अब चूंकि वो एक गुफा में उसका जन्म हुआ, इसलिए उस बच्चे का जो नाम हो गया, देखिए जो गुफा शब्द है उसके लिए गुह शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, और उस बच्चे का नाम जो है आगे रखा जाता है गोह, क्योंकि उसकी उत्पत्ति गोह में ही हुई थी, और यहीं से गोह से ही आगे शब्द निकलता है गोहिल, जिसका अपने जिसके संबंध में गोहिल के विषय में अपने बात कर रही हैं दोस्तों। तो ये सारा कुछ हमें याद रखना है। इसके अलावा चीरवा शिलालेख आपको याद रखना है, क्योंकि इस अभिलेख से हमें गोहिल वंश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हुए चलते हैं गुहिलादित्य के पास में, या गुहादित्य के पास में। तो हम जैसा ये जानते हैं कि गुहादित्य या फिर गुहिल जो थे उसका लालन पालन किसने किया था? कमलावती नामक ब्राह्मणी के द्वारा किया गया था, लेकिन चूंकि वो राजपूत था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसमें वो सारे गुण आने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो वीरनगर जो था उसके पास में ही था ईडर, और ईडर जो था वो भीलों का हुआ करता था, यहाँ पर भीलों का साम्राज्य हुआ करता था, और इसी ईडर के अंदर एक गांव हुआ करता था उंदरी नाम का। कौन सा गांव था दोस्तों? उंदरी नामक एक गांव हुआ करता था, और गुहिलादित्य जो था इसी साम्राज्य के अंदर जानवरों का शिकार किया करते थे, क्योंकि वो थोड़ा तेज तर्रार था इसलिए भी लोग जो हैं इसका बड़ा सम्मान किया करते थे गुहिलादित्य का। ऐसे ही एक दिन खेल खेल में खेल रहे होते हैं, और भील बच्चों को ये अपने आप ये उनके माइंड में आता है कि क्यों ना अपने में से किसी एक को राजा बनाया जाए। तो ये सारे भील बच्चे जो हैं आपस में मिलते हैं और गुहिलादित्य को ही सबसे योग्य समझते हैं और उसे अपना राजा घोषित कर देते हैं। और देखिए पूरा प्रोग्राम होता है, एक भील बालक अपनी उंगली काटकर उसका खून से जो है माथे पर राज तिलक भी लगाता है। अब भीलों के, हमने ये कहा ना ये भीलों का था, तो भीलों के जो एक राजा थे, जो वृद्ध व्यक्ति थे, वो इस वृतांत को सुनते हैं और उसको अपने पास में बुलाकर अपना जो राज्य है वो गुहिलादित्य को सौंप देते हैं और स्वयं जो है वो राजकाज से संन्यास ले लेते हैं दोस्तों। तो ये एक परंपरा है, और यहीं से हमने ये भी पढ़ा होगा कि मेवाड़ के महाराणा जब भी राज सिंहासन पर बैठते थे तो उंदरी गांव का जो भील सरदार है वो अपने अंगूठे के रक्त से राणा का राज तिलक किया करता था दोस्तों। तो आगे चल करके यही गुहिलादित्य हैं, और इसी के जो वंशज हैं वो गुहिल के नाम से विख्यात होते हैं, और या फिर हम इसे कहते हैं गुहिलोत, गुहिल या फिर गुहिलोत के नाम से विख्यात होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि गुहिलादित्य ने 566 ईस्वी के आसपास मेवाड़ में इस वंश की नींव रखी और नागदा को अपने राज्य की राजधानी बनाई थी। ये प्रश्न आ जाता है बहुत बार कि इसके प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, जो है नागदा है वो गुहिल वंश की पहली राजधानी थी। आठवीं पीढ़ी तक ईडर जो है इसके ऊपर जो शासन है गुहिलों का ही रहता है। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि गुहिल वंश का संस्थापक या गुहिल वंश का मूल पुरुष हम किसे कह सकते हैं, तो वो फिर कौन सा होगा दोस्तों? गुहिलादित्य ही आता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। इसके बाद में गुहिलादित्य के बाद में नागादित्य होता है शासक, और नागादित्य के बाद में आता है बप्पा रावल, इम्पोर्टेंट जो है, इन सभी के विषय में अपने बात करेंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं
कि यहाँ पर जो जो शाखाएं हैं उनके संस्थापक कौन से थे। दोस्तों यहाँ से एक आधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मेवाड़ शाखा के संस्थापक जो हैं गुहिल को माना जाता है, बागड़ के सावंत सिंह को माना जाता है, देवलिया को सूरजमल को माना जाता है, बांसवाड़ा के जगमाल थे और शाहपुरा के सुजान सिंह थे। यहाँ से एक आधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। हम पहले मेवाड़ शाखा के विषय में बात कर रहे हैं दोस्तों, और सबसे पहले हम बात करेंगे बप्पा या बप्पा रावल के विषय में, जिसका एक नाम और आता है वो है कालभोज। इसके समय की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं 734 से लेकर के 753 ईस्वी तक का जो टाइम है वो इनका माना जा सकता है। दोस्तों बात थी, इससे पहले जो शासक थे वो थे नागादित्य, और नागादित्य की हत्या भीलों के द्वारा कर दी जाती है। तो राजपूतों को उसके 3 वर्षीय जो पुत्र था बप्पा, नागादित्य की हत्या के बाद में इसका 3 साल का एक बच्चा था जिसका नाम था बप्पा, उसके जीवन को बचाने की चिंता होती है। तो इसी समय जो होता है वीरनगर की कमलावती, कमलावती आपको याद होगा दोस्तों जो गुहिलादित्य वाले थे, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो वीरनगर की कमलावती के वंशज जो कि गुहिल राजवंश के कुल पुरोहित हुआ करते थे, और उन्होंने क्या किया कि बप्पा को वहाँ से वो उठाते हैं, लेते हैं अपने साथ में और मांडेर दुर्ग में आते हैं। कहाँ पर आते हैं दोस्तों? मांडेर नामक दुर्ग में आते हैं, और इस जगह को बप्पा के लिए सबसे सुरक्षित नहीं मानते हैं, और फिर यहाँ से लेकर के वापस चलते हैं और परासर नामक स्थान पर पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचे दोस्तों? परासर नामक स्थान पर, और इसी के पास में जो है वो त्रिकूट पर्वत है। कौन सा पर्वत है दोस्तों? त्रिकूट पर्वत है, और इसी की तलहटी में एक नगर हुआ करता था जिसे वर्तमान अपने नागदा कहते हैं दोस्तों। नागदा था, नागदा बसा हुआ था दोस्तों। वहाँ पर शिव की उपासना करने वाले बहुत से ब्राह्मण रहा करते थे, और उन्हीं ब्राह्मणों के पास में बप्पा का जो है वो लालन पालन होता है। अब यहाँ जो कहानी आपको सुनने को मिलती है कि बप्पा क्या करता था, ब्राह्मणों की पशुओं को चराया करता था, गाय चराने का कार्य करता था। अब उन पशुओं के अंदर एक गाय जो थी वो ऐसी थी कि सुबह सुबह तो बहुत दूध दिया करती थी, लेकिन शाम को जो है उसमें से दूध नहीं निकलता था। तो ब्राह्मणों को ऐसा संदेह होता है कि कहीं ना कहीं जो ये बच्चा है बप्पा है, ये एकांत में गाय का दूध पी जाता है। बप्पा को भी जब ये पता चलता है कि ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा है, तो कहीं ना कहीं कोई वास्तविकता है जिसका पता किया जाए। तो वो एक दिन शाम को जो है वो गाय के पीछे पीछे चल पड़ता है वास्तविकता का पता लगाने के लिए, और पीछे चलते चलते वो देखता है कि वो गाय एक निर्जन गुफा के अंदर जाती है। तो बप्पा उसके पीछे पीछे गुफा में भी चला जाता है, जहाँ पर वो एक बेल पत्तों का दिखेगा ढेर होता है, उसके ऊपर गाय जो है अपने दूध की धार छोड़ रही होती है। उसे बड़ा विचित्र लगता है, तो वहाँ से जब वो पत्तों को हटा करके देखता है तो वहाँ पर हटाने के बाद में उसे एक शिवलिंग वहाँ पर दिखाई देता है, यानी वो जो गाय है वो दूध कहाँ चढ़ा रही थी, अपना शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रही थी। दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ पर बप्पा रावल ने एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था दोस्तों। अब यहीं पर वो देखते हैं कि यहाँ पर एक योगी भी हैं जो समाधि लगा करके बैठे हैं। अब जो वो ये सारी क्रियाकलाप करता है, योगी का ध्यान टूट जाता है, जिसको हम हारित ऋषि के नाम से जानते हैं दोस्तों। लेकिन बप्पा जो है उसको देख करके जो योगी है उसका ध्यान टूट जाता है, लेकिन वो कुछ कहते नहीं हैं। अब यहाँ से बड़ा प्रभावित होता है बप्पा, और वो फिर उस योगी की सेवा में लग जाता है, यानी कि हारित की सेवा में वो लग जाता है, और इसी हारित ऋषि की सेवा भक्ति से वो प्रसन्न होते हैं और उसे दीक्षा देते हैं और बप्पा को उपाधि देते हैं एक लिंग का दीवान, उसे एक लिंग का दीवान घोषित कर देते हैं दोस्तों। अब हारित समय अमर तो थे नहीं, उनका भी अंतिम समय आता है, और ये मान और जब इनका शिवलोक जाने का समय आता है तो ये बप्पा को कहते हैं कि एक निश्चित टाइम उसको दे देते हैं कि इस टाइम को पहुँच जाना। तो बप्पा जो है देर करता नहीं था, लेकिन उसको देर हो जाती है किसी कारण से, और जब वो देखता है कि शिवलोक की तरफ जा रहे हैं तो बप्पा जो है उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। यान ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों, तो यान में बैठ करके जो है हारित ऋषि जा रहे होते हैं, नीचे रह गया बप्पा रावल बप्पा। तो जब हारित उसको देखते हैं ना, तो फिर उसको रथ पर जहाँ देखिए सवार थे वो और ऊपर की ओर जा रहे थे, तो वो रथ के चाल को धीमी करवाते हैं और बप्पा को कहते हैं भी मुँह खोल। तो बप्पा ने कहा भी मुंह खोलने से क्या होगा? तो मुंह खोल ये जो पान चबा रहे थे या कुछ भी खा रहे थे, जो कहा जाता है कि ये उसके कहते हैं कि मैं तेरे मुंह में थूकता हूँ।
ये बड़ा अजीब सा लगता है जब ये उसके मुंह में थूकते हैं तो बप्पा को थोड़ी घृणा आती है और वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं, जिससे वो थूक उसके मुंह में नहीं गिरता बल्कि पैरों पे गिर जाता है। अब यहाँ पर जो हारित ऋषि कहते हैं कि मैंने जो पान जो थूका था अगर वो तुम्हारे मुंह में गिरता तो देखो तुम हमेशा के लिए क्या हो जाते, अमर हो जाते, लेकिन तुमने तो गलती कर दी है, लेकिन फिर भी ये पैर पर तो पड़ा ही पड़ा है ना, तो पैर पर पड़ने के कारण तेरा जो मेवाड़ राज्य है ना वहाँ से तू कभी हिल नहीं पाएगा, तो वो तेरा हमेशा के लिए ही रहने वाला है। और इससे पहले हारित ऋषि ने महादेव से बप्पा के लिए मेवाड़ राज्य को मांग भी लिया था दोस्तों। तो हारित ऋषि जो है बप्पा को मेवाड़ राज्य को वरदान में देते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और साथ ही साथ उसको एक जो है सलाह भी दे करके जाते हैं, एक स्थान बताते हैं कि वहाँ से तुझे खजाना मिलेगा, उससे एक सेना बनानी है और फिर जो तुम्हें यहाँ पर युद्ध कर सकता है और अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है, वो सोना धन उसको मिलता भी है, वो एक सेना तैयार करता है बप्पा। इस प्रकार की अनेक सारी कहानियाँ जो हैं वो प्रचलित है और फिर जो है मेवाड़ का स्थापना होता है दोस्तों। तो ये कुछ एक बातें थी जो आपने काफ़ी बार सुन भी रखी होगी। तो हारित रस्सी जो वाली बात है वो सच है और वो नाम आता है परीक्षा में, इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों। बैद्यनाथ प्रशस्ति है, उसमें ये कहा भी गया है कि बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और राजा चित्तौड़ के राजा मान मोरी को पराजित करके गुहिल वंश की नींव जो है इनके द्वारा डाली गई थी दोस्तों 734 ईस्वी के आसपास कहा जाता है, ये कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद रखनी है, बप्पा रावल ने क्या किया था, उदयपुर के समीप ही कैलाशपुरी जो स्थान है वहाँ पर एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था और बप्पा के समय से ही जो मेवाड़ के शासक हैं वो अपने आप को एक लिंग जी का दीवान मानते हैं और दीवान मान करके ही जो है वो कार्य करना शुरू करते हैं दोस्तों। अब यहाँ एक शब्द कई बार पूछ लिया जाता है, आस का लेना, ये शब्द आपको याद रखना है दोस्तों। आस का लेना क्या है कि मेवाड़ के शासक जब भी राजधानी छोड़ करके किसी दूसरी जगह जाते थे तो एक लिंग जी की आज्ञा लेते थे, इसी को आस का लेना कहा करते थे। तो यहाँ थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, अपने मोहनोत निर्णय के अनुसार यह हारित ऋषि की गाय को चराता था, उन्हीं के आशीर्वाद से मेवाड़ का राज्य ने प्राप्त हुआ था, ये डिस्कस अपने कर चुके हैं। मोहनोत निर्णय और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज या मालभोज था। 734 ईस्वी में इसने मानमुरी से चित्तौड़ को छीन लिया और नागदा को अपनी राजधानी बनाई। उसने उदयपुर के निकट एक लिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था, ये अपने डिस्कस कर चुके हैं। बप्पा का नाम कालभोज भी आता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और यह भी स्वीकार किया जाता है कि बप्पा उसकी उपाधि थी। बप्पा ने चांदी और सोने के सिक्के चलाए। बप्पा की समाधि कहाँ है दोस्तों, नागदा में। और बप्पा के लिए ये भी कहा जाता है, बप्पा जिसे हम आजकल बप्पा रावल के नाम से जानते हैं, कि वो एक झटके में दो भैंसों की बलि दे देता था, 35 हाथ की धोती पहनता था, 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था और 32 मन की खड़ग जो है वो उसकी होती थी, 4 बकरों का वो देखिए भोजन किया करता था और कहते हैं उसकी सेना में 12,00,000 और 72,000 सैनिक हुआ करते थे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। अब यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है उसको समझ लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक या आदि पुरुष कौन सा है, तो नाम होगा गुहिलादित्य। तो नाम किसका आता है दोस्तों, गुहिलादित्य का आता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो दोस्तों उसका नाम आता है बप्पा रावल। ये चीज़ें आपको विशेषतः याद रखनी है दोस्तों। एक लिंग प्रशस्ति जो है उसमें ये लिखा हुआ मिलता है कि बप्पा रावल ने संन्यास ले लिया था दोस्तों, जैसा भी था लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ थोड़ा और देख लेते हैं, बप्पा के बाद में आता है शिलादित्य, जो हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। शिलादित्य ने नागदा के आसपास की जो भूमि है वो बिलों से छीन लेता है दोस्तों। यहाँ एक चीज़ याद रखनी है कि इसके द्वारा तांबे के सिक्के चलाए गए थे। इसके बाद में जो हमारा अगला शासक आता है वो था इसका कालभोज। कालभोज से पहले एक और भी था दोस्तों, अपराजित, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। कालभोज आता है, कालभोज के बाद में जो आता है वो आता है खुमाण प्रथम आता है, खुमाण प्रथम के बाद में भृत्रभट्ट द्वितीय भी आता है दोस्तों। अब इसके बाद में जो एक और आता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अलहट या फिर अलहट।
अब देखिएगा इसे कोर क्या कहा जाता है, इसका एक अन्य नाम है वो आलू रावल भी आता है दोस्तों। इसे ख्यातों के अंदर आलू राव कहा गया है। इसने होण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करने का कार्य किया था। अलहट ने अलहट या फिर अलहट जैसा भी नाम आए दोस्तों, राजकुमारी थी हरिया देवी के साथ में हुणों की जो पुत्री हुआ करती थी उससे विवाह किया था और अपने ननिहाल पक्ष राष्ट्रकूटों की सहायता से इसने जो सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार भी किया गया था दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, आलू राव किसका नाम है दोस्तों, आलू राव इसी का ही नाम आता है दोस्तों। यहाँ आलू राव या अल्लट को जो जाना जाता है विशेषता कि मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही की अगर किसी ने स्थापना की थी तो वो इसी के द्वारा की गई थी, इसलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो कि आज भी वर्तमान में पूरे देश में चल रही है दोस्तों। अल्लट ने एक और काम किया जो हमारी राजधानी इसकी हमने बताई थी नागदा थी, नागदा से बदल करके नई राजधानी बनाता है वो आहड़, ये हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पर वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया इसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ आगे इसको समझ लीजिएगा, आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया और वहाँ पर वराह मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद में देखिएगा अल्लट के बाद में एक और शासक आता है नरवाहन, नरवाहन में कुछ भी विशेष नहीं है। फिर उसके बाद में हम शक्ति कुमार को ही देख लेते हैं, इसका समय जो है 977 से 93 ईस्वी तक का अपने मान करके चलते हैं। शक्ति कुमार के समय में क्या क्या हुआ दोस्तों, शक्ति कुमार के समय हुआ ये कि पहली बार जो गुहिल थे अपने उसको मूल प्रांत को छोड़ना पड़ा था दोस्तों, क्योंकि हुआ ऐसा कि इसी के शासन के समय मालवा के परमार शासक मुंज जो था उसने आहड़ को नष्ट कर दिया और पूरी तरह से आहड़ या फिर आघाटपुर जो भी नाम आए दोनों एक ही बात है दोस्तों, आघाटपुर को नष्ट कर दिया था और चित्तौड़ दुर्ग और उसके आसपास के क्षेत्रों पर वो अपना अधिकार कर लेता है दोस्तों, और इसी कारण से उसको जो है इसे छोड़ना पड़ता है। अब मुंज का एक उत्तराधिकारी था छोटा भाई सिंधराज था, उसका पुत्र था भोज परमार, वो चित्तौड़गढ़ में रहता है और उसी के द्वारा त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है और नागदा में भोज सर का तालाब भी बनवाया गया, ये सारे काम जो है इसी के द्वारा करवाए गए थे दोस्तों। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी हमें ये पढ़ने को मिलता है कि भोज परमार ने नागदा में भोज सर तालाब का निर्माण करवाया था दोस्तों। इसके बाद में और 10 शासक हुए जो कोई योग्य शासक नहीं थे, अयोग्य शासक ही थे दोस्तों, इनका नाम अपने को ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद में इम्पोर्टेंट हमारे पास में आता है रण सिंह, इसका 1158 ईस्वी का समय अपने मान करके चलते हैं। ये रण सिंह जो है वो पुत्र था विक्रम सिंह का, किसका बेटा था विक्रम सिंह का, और रण सिंह को ही एक और नाम दिया जाता है वो है कर्ण सिंह, रण सिंह को कर्ण सिंह भी कहा जाता है दोस्तों। इसने एक किला भी बनवाया था। इसके समय में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रण सिंह के समय में ही गुहिल वंश दो शाखाओं में बंट जाता है दोस्तों, गुहिल वंश की दो शाखाएं हो जाती हैं। दो शाखाएं कौन कौन सी, एक तो थी रावल शाखा और दूसरी शाखा कौन सी थी राणा शाखा, दो शाखा में ये बंट जाता है दोस्तों। रण सिंह का ही पुत्र था क्षेम सिंह, क्षेम सिंह कौन सी चलाता है रावल शाखा चलाता है, और दूसरी शाखा जो है रण सिंह का दूसरा बेटा था राहप, राहप जो है वो एक सिसोदा ठिकाने की स्थापना करता है, कौन से ठिकाने की, सिसोदा ठिकाने की स्थापना करता है और राणा शाखा को चलाता है दोस्तों। और ये राणा सिसोदा में ही रहते थे इसलिए ये क्या कहलाए दोस्तों, सिसोदिया कहलाए थे। रण सिंह के विषय में देख लीजिएगा, इसे कर्ण सिंह भी कहा गया है और इसी से मेवाड़ की रावल और राणा शाखाएँ जो हैं वो प्रारंभ होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम सामंत सिंह की तरफ। सामंत सिंह से पहले एक और हुआ था क्षेम सिंह, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, इसमें इतना ही है कि क्षेम सिंह जो है वो रावल शाखा की शुरुआत करता है और देखिए मेवाड़ का शासक बनता है, और इसके सामंत सिंह और कुमार सिंह नाम के दो पुत्र थे जिसमें से सामंत सिंह जो है वो आगे चल के शासक बनता है दोस्तों। 1172 में ये मेवाड़ का शासक बनता है, कब बना दोस्तों 1172 में। सामंत सिंह का विवाह जो होता है अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई के साथ में होता है दोस्तों। तो इसी के समय नाडोल के चौहान कीर्तिपाल और पृथ्वीराज द्वितीय के मध्य अनबन हो गई थी और इसी कारण से कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और सामंत सिंह को पराजित करके जो है मेवाड़ राज्य को छीन लिया था दोस्तों। अब देखिएगा सामंत सिंह जो है फिर आगे क्या करता है, 1178 की बात आती है, 1178 में बागड़ में जाता है और एक अपना नया राज्य बसाता है जिसकी राजधानी जो थी बड़ौदा थी दोस्तों।
इसके बाद में दोस्तों क्षेम सिंह का एक छोटा पुत्र होता है कुमार सिंह। कुमार सिंह जो है वो कीर्तिपाल को पराजित करता है और फिर से मेवाड़ का जो शासक बनता है दोस्तों। ये हमारी कहानी थी, कीर्तिपाल से पराजित होता है और भगड़ में जाकर नए राज्य की स्थापना करता है। उसके बाद में जो हमारा इम्पोर्टेंट आता है वो है जेत्र सिंह। जेत्र सिंह का समय जो है 1213 से 1250 ईस्वी का माना जाता है। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही ये शासक बनता है दोस्तों। अभी हमने ये देखा था कि इसके शासन से पहले जो है नाडोल के चौहान वंशीय जो कीर्तिपाल की तो एक महान राजा हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, इसने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। तो इस बैर का बदला लेने के लिए जेत्र सिंह जो है अपने चौहान वंशीय शासक उदय सिंह के विरुद्ध नाडोल पर चढ़ाई करता है। नाडोल को बचाने के लिए उदय सिंह क्या करता है कि अपनी पोत्री रूपा देवी, क्या नाम था रूपा देवी, जिसे चचिक देवी भी कहते हैं, चचिक देवी का विवाह कर देता है जेत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ में। और इसी के साथ जो है नाडोल के साथ में जो इनका बैर जो है वो समाप्त हो जाता है दोस्तों। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जेत्र सिंह के समय ही दिल्ली सुल्तान पर गुलाम वंश का शासन था और इल्तुतमिश जो है वो गद्दी पर था। कौन था? इल्तुतमिश जो है वो गद्दी पर बैठता है दोस्तों। अब इल्तुतमिश को जब ये पता चलता है कि जेत्र सिंह का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो इस प्रभाव को दबाने के लिए क्या करता है, मेवाड़ की राजधानी नागदा पर आक्रमण करता है और उसे तहस नहस कर देता है। और इसी कारण से जेत्र सिंह जो है वो पहली बार अपनी एक नई राजधानी बनाता है, नई राजधानी लेकर के आता है जो चित्तौड़ के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य एक युद्ध होता है जो इतिहास में भूताला के युद्ध के नाम से जाना जाता है 1227 ईस्वी के अंदर। इसमें इल्तुतमिश बुरी तरह से हार जाता है। इसका जो वर्णन है हमें, इसके बारे में जानकारी हमें हमीर मदमर्दन नामक पुस्तक के द्वारा भी मिलती है। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं, 1201 के अंदर इल्तुतमिश की सेना को नागौर के पास युद्ध में पराजित करना बताया गया है कर्नल टोड के द्वारा भी। तो दोस्तों ये कुछ एक जेत्र सिंह की कहानी थी, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अपने। इसके समय में इल्तुतमिश की सेना ने नागदा पर आक्रमण किया था और नागदा को नष्ट कर दिया था। भूताला के युद्ध में जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित कर दिया था। चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी इसी के द्वारा बनाई गई थी दोस्तों। इसकी कहानी इतनी ही आती है, इसका इम्पोर्टेंट भाग जो था वो इतना ही था दोस्तों। जेत्र सिंह को जो है मेवाड़ की नवशक्ति का संचारण भी कहा जाता है और मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल भी अपने कहते हैं। इसके बाद में जो हमारे अगले शासक आते हैं वो है तेज सिंह। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1250 से 1273 का समय है दोस्तों। जेत्र सिंह की मृत्यु के बाद में उनका पुत्र था तेज सिंह वो जो है मेवाड़ का शासक बनता है। ये भी काफ़ी प्रतिभावान शासक था दोस्तों। इसने उपाधियां धारण की थी दोस्तों, उपाभति, रव, बल्लभ, प्रोड, प्रताप, काफ़ी लंबी उपाधि है दोस्तों, याद कर लीजिएगा वरना सबसे लंबी उपाधि यही हो जाएगी दोस्तों। परम भट्टारक की उपाधि भी, महाराजा दिराज की, परमेश्वर भी, ये सारी उपाधियां जो हैं इसके द्वारा प्राप्त की गई थी दोस्तों। तेज सिंह के शासनकाल में ही बलबन ने 1253-54 के आसपास जो है आक्रमण किया था दोस्तों, लेकिन ये आक्रमण इसका असफल रहा था। इसी के समय देखिएगा आहड़ नामक स्थान पर मेवाड़ चित्रकला शैली की जो प्रसिद्ध या कहें हम प्रथम चित्रित ग्रंथ जो था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी वो लिखा गया था, वो उसको चित्रित किया गया था दोस्तों। 1267 ईस्वी आए या 1267 आए ये देख लेना, जो ऑप्शन में आए उसको सही मान लीजिएगा दोस्तों। ऐसा मुझे नहीं लगता कि सन की कहीं भी कोई वो ऐसी पूछेगा या दिक्कत आपको देने वाला है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं समर सिंह की। 1273 से 1301 तक का समय अपने इसका मानते हैं। तेज सिंह के बाद में उसका पुत्र समर सिंह होता है, वो गद्दी पर बैठता है। समर सिंह को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा गया है। शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा गया है। किसको कहा गया है दोस्तों? समर सिंह को कहा गया है। और आबू शिलालेख की बात करें तो यहाँ पर उसको तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा गया है। तुर्कों से गुजरात का उद्धारक भी इसे कहा गया है दोस्तों। चीरवे के शिलालेख के अंदर शत्रुओं को संहार करने वाला और सिंह के सदृश सूर भी कहा गया है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छे अच्छे इनके नाम आते हैं। इसके दो पुत्र थे, एक था रतन सिंह और एक था कुंभकर्ण दोस्तों। आगे इसके विषय में थोड़ी और बात कर लेते हैं। इसके समय के 8 शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं। रणथंभौर के हमीर ने इसके समय मेवाड़ पर आक्रमण किया और इससे कर वसूल करने का कार्य किया था दोस्तों।
तो ये भी आता है दोस्तों। कुंभकर्ण इनका जो जो बेटा था वो पिता से आज्ञा लेकर के नेपाल चला जाता है और नेपाल में जो है गुहिल वंश की स्थापना करता है। उसके बाद में समर सिंह के बाद में इसका दूसरा पुत्र जो था रतन सिंह वो गद्दी पर बैठता है, वो चित्तौड़ का शासक बनता है, जिसकी जानकारी हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महाकाव्य ग्रंथ से भी प्राप्त होती है। इसके काल में जो है जीव हत्या पर रोक लगाई गई थी, ये एक अलग बात आती है दोस्तों। ये आचार्य अमित सिंह थे, उसी के प्रभाव में आने पर ये रोक लगवाने का कार्य करते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रतन सिंह के विषय में। तो समर सिंह की के बाद में देखिएगा दोस्तों, रतन सिंह आते हैं, गुहिल वंश के रावल शाखा का अंतिम शासक अपने इसे मान करके चलते हैं दोस्तों। पद्मावत के अनुसार क्या मानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह की अति सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ये हमें पद्मावती से प्राप्त होता है, पद्मावती से प्राप्त ये जानकारी है दोस्तों, लेकिन ये इतनी ज़्यादा सही नहीं मानी जाती है। अब यहाँ पर आपको जो समझ लेना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया था, तो इसके समकालीन जो था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सम्राट था, शासक था, साम्राज्यवादी विस्तार करने की उसकी भी नीति थी। और देखिएगा, युद्ध कभी भी होता तो उसमें सामरिक स्थिति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसका सामरिक महत्व और भौगोलिक जो उसकी स्थिति थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए उस पर अधिकार करने की वो ठान लेता है। क्योंकि ये जो किला है वो दिल्ली से मालवा, गुजरात और दक्षिणी भारत जाने वाले मार्ग पर स्थित था, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जैसे ही रतन सिंह गद्दी पर बैठता है तो उसे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ता है। अब इसमें एक पद्मावती की कहानी भी आती है दोस्तों, इतना ही याद रखिए, पद्मावती की कहानी दोहराने की यहाँ पर मैं कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, फिर भी हम बात तो थोड़ी बहुत देखिए जरूर करेंगे। यहाँ खिलजी ने 28 जनवरी 1303 को दिल्ली से चलकर चित्तौड़ पर घेरा डाला था। अमीर खुसरो भी इस अभियान में शामिल था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। स्वयं खिलजी था इसमें, उसने जो पहला कैंप लगाया था वो चित्तौड़ी नामक स्थान पर लगाया था। कहाँ लगाया था, चित्तौड़ी नामक स्थान पर लगाया था। 6 महीने तक ये घेरा चलता रहता है दोस्तों। अब इसमें जो जानकारी मिलती है कुंभलगढ़ शिलालेख से हमें पता चलता है कि 6 माह के मध्य छोटे मोटे युद्ध होते हैं, जिसमें सिसोदा का सामंत जो लक्ष्मण सिंह है वो अपने 7 पुत्रों सहित वहां पर शहीद हो जाता है। जब उन्हें ये लगता है कि चारों तरफ विनाश हो रहा है, खाना पीना बचता नहीं है, तो रतन सिंह की पत्नी जो है वो 1600 राजपूत महिलाओं के साथ में जोहर करती है। रतन सिंह के 2 सेनापति गोरा बादल के नेतृत्व में राजपूत केसरिया करते हैं, किले के फाटक को खोल देते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये जो यहाँ का पहला साका जो है वो स्वीकार किया जाता है दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तो ये एक स्टोरी थी जिसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ आगे देख लेते हैं, 26 अगस्त 1303 को दुर्ग पर सुल्तान अधिकार प्राप्त कर लेता है। रावल रतन सिंह अपने प्रसिद्ध सेना नायकों गोरा बादल सहित जो है वीरगति को प्राप्त होता है, पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर होता है और ये चित्तौड़ का पहला साका जो है वो स्वीकार किया जाता है दोस्तों। अब इसके बाद में दोस्तों क्या होता है, 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ किला अधीन तो हो जाता है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी अपनी शाही सेना का विनाश भी देखता है, क्योंकि ये भी बहुत खतरनाक युद्ध था दोस्तों। शाही सेना को चित्तौड़ की आम जनता के कत्लेआम करने का आदेश दे देता है और ये कहता है कि कुछ दिन चित्तौड़ में रुकता है और अपने बेटे खिज्र खां को उसे सौंप देता है। और इसका नाम भी बदल करके उसने क्या रखा था दोस्तों, खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था दोस्तों। और ये हमें स्टोरी सुनने को मिलती है, खिज्र खां ने क्या किया, चित्तौड़ दुर्ग और उसके आसपास मंदिरों और भवनों को तुड़वाया और किले पर पहुंचने के लिए गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण भी इसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों। 1316 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में उस समय का ये कहा जाता है कि मृत्यु होने के बाद में खिज्र खां चित्तौड़ से वापस दिल्ली चला जाता है और मेवाड़ का राजा जो है कानड़देव चौहान है, जालौर का जो था, उसके भाई मालदेव सोनग्रह को सौंप दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो किला है जो मालदेव सोनग्रह के पास में आ जाता है, ये शासन इस तरफ से ट्रांसफ़र हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे अपनी बात करते हैं, खुसरो के अनुसार दुर्ग पर अधिकार करने के बाद सुल्तान ने 30,000 हिंदुओं का कत्ल करवा दिया था। खुसरो ने किसी साके या जोहर का कोई भी जिक्र नहीं किया है। खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ में नियुक्त किया और उसका नाम खिजराबाद कर दिया। 1313 में सोनग्रह चौहान मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त करता है, जिसके अभी हमने डिस्कस की थी। मालदेव सोनग्रह इतिहास में मुंछाला मालदेव के नाम से जाना जाता है दोस्तों।
इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं राणा हम्मीर के विषय में। 1326 से 1364 ईस्वी का ये समय है। तो राणा हम्मीर कौन था दोस्तों? राणा हम्मीर सिसोदा जागीर के सरदार लक्ष्मण सिंह का पोता था। अब इसमें क्या होता है, हम्मीर सिसोदा के ठाकुर राणा अरि सिंह का पुत्र भी था। इसके बाद से मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं, ये अपने डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अब देखिएगा जो हुआ, 1326 में मालदेव को हटाकर चित्तौड़ सहित मेवाड़ राज्य पर गुहिल वंश की पुनः स्थापना करने के लिए हम्मीर को जाना जाता है, इसीलिए इसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। इसके समय में जो शासन था वो दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन हुआ करता था दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब राणा हम्मीर ने जब ये देखा अलाउद्दीन खिलजी की तो डेथ हो चुकी है, दिल्ली सल्तनत की हालत ठीक नहीं है, तो 1326 के आसपास जो है वो क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। मालदेव के पुत्र जो उस समय था उसको हटा देता है, मालदेव को हटा देता है और वहाँ पर जो है अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। इसमें थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी भी आपको पढ़ने को मिल जाएगी, ये एक फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है, बाकी सब कहानियाँ हैं, कहानियों का तो अपनी क्या करें परीक्षा में नहीं आती है दोस्तों। सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की पराजय हुई थी। सिंगोली का युद्ध आपको याद रखना है दोस्तों, किस किस के मध्य में हुआ था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसे विषम घाटी पंचानन और रसिक प्रिया के अंदर वीर राजा भी कहा गया है, ये आपको याद रखना है। गीत गोविंद पर जो टीका लिखी गई थी रसिक प्रिया, उसके अंदर इसे वीर राजा का नाम दिया गया है। हम्मीर ने चित्तौड़ में एक मंदिर भी बनवाया था, अन्नपूर्णा माता का मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया था। टोड जो है इसे अपने समय का प्रबल हिंदू राजा कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रबल हिंदू राजा कहते हैं दोस्तों। फिर अपने बात करते हैं राणा क्षेत्र सिंह के विषय में, जिसको खेता भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, खेता भी कहा गया है दोस्तों। क्षेत्र सिंह के समय मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात होता है। इसने अजमेर जहाजपुर मांडल और छप्पन को मेवाड़ में मिलवाने का कार्य किया था, इतना काफ़ी है दोस्तों इसमें। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं राणा लाखा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 1382 से 1421 तक का समय इनका आता है। तो हम्मीर का ये पौत्र था और क्षेत्र सिंह यानी खेता का पुत्र था लक्ष्य सिंह या फिर राणा लाखा। 1382 में ये मेवाड़ का शासक बनता है और लाखा के शासन में सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जावर में चांदी की खान निकल गई और यहाँ से चांदी निकलने प्रारंभ हो गई और इससे काफ़ी इनकम हुई। इसने किले भी बनाए, मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था और इसी के समय में जो है पिछोला झील का निर्माण भी हुआ था, जिसे ये कहते हैं छीतर या पिछू नामक चिड़ी मार बंजारी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पिछू यानी पिछोला, इसी से नाम जुड़ा हुआ अपने मान करके चलते हैं दोस्तों। एक नटनी का चबूतरा भी यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नटनी का चबूतरा जो है वो क्या था कि एक बार महाराणा हम्मीर जो थे वो उन्होंने ये कहा कि गलकी नामक नटनी से कहा कि यदि वो पिछोला झील के दोनों किनारों पर रस्सी लगा करके पार कर ले, सॉरी लाखा ने कहा कि रस्सी जो लगी हुई है इससे अगर वो उसको पिछोला झील को पार कर लेगी तो आधा मेवाड़ राज्य उसे उपहार में दे दिया जाएगा। अब नटनी आधे से ज़्यादा रास्ता पार कर चुकी होती है तो महाराणा के मंत्री कहते हैं ये तो चलो ऐसे ही कर रहा है, तो अगर ये पार कर गई तो राज्य इसको दे भी देगा, इसलिए आधा राज्य उसका बच जाता है क्योंकि वो उसको क्या करते हैं, रस्सी को काट देते हैं। और वहीं पर एक नटनी का चबूतरा भी बनवाया गया है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, गल की नटनी का चबूतरा हम इसको कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे अपनी बात करते हैं राणा लाखा के विषय में, एक और अच्छी सी कहानी आती है हंसाबाई की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा हुआ क्या कि सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है, राव चूड़ा। अब राव चूड़ा कहाँ का था दोस्तों? राव चूड़ा था मारवाड़ का। अब मारवाड़ का जो राव चूड़ा था उसका एक बड़ा बेटा था रणमल, कौन दोस्तों? रणमल हुआ करता था। मारवाड़ का शासक राव चूड़ा का बड़ा बेटा था रणमल, वो अपनी अपनी बहन हंसाबाई, इस रणमल की बहन थी हंसाबाई, जिसका विवाह वो करना चाहता था राणा लाखा के बेटे चूड़ा के साथ में। लाखा जो था इसका बेटा था चूड़ा, उसके साथ में वो इसका विवाह करना चाहता था। अब रणमल जो है चूड़ा के लिए सगाई का नारियल भेजता है मेवाड़ के दरबार में और
भाग्यवश वहां पर जो है राणा लखा का पुत्र चूड़ा दरबार में उस समय नहीं होता है। अब सगाई का नारियल जब राजा देखता है, लखा देखता है, तो वो यूं ही कह देता है कि इस बुढ़ापे में मेरे साथ में ये किसके द्वारा मजाक की गई है। अब ये बात वापस घूम करके रणमल के पास में आती है, तो रणमल को एक बार तो बुरा लगता है, फिर वो थोड़ी सी राजनीति करता है, थोड़ा सोचता है, उसके बाद में ऑफर भिजवा देता है शादी की शर्त कि आपका विवाह तो मेरी बहन के साथ में हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि उत्तराधिकारी वही बनेगा जो इसका बेटा होगा। तो इस प्रकार से लखा के द्वारा डन कर दिया जाता है और ये विवाह संपन्न हो जाता है हंसाबाई के साथ में। और हंसाबाई का टीका लखा के ज्येष्ठ चूड़ा के लिए आया था, ये बात अपनी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो चूड़ा है उसे मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उसे जब अपने पिता के वचन का पता चलता है तो वो भी आजीवन ब्रह्मचारी रहने का जो है वो वचन ले लेता है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसे अगर आपसे पूछा जाए मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन था, तो फिर उसमें राणा लखा का ज्येष्ठ पुत्र जो है चूड़ा उसका नाम आता है। फिर लखा और हंसाबाई का एक पुत्र होता है मोकल, जो आगे चल करके शासक बनता है दोस्तों, लेकिन चूड़ा को उसका संरक्षक भी बनाया जाता है, क्योंकि ये उसने जब देखिए लखा मृत्युशैया पर होता है तो अपने बड़े पुत्र चूड़ा से वचन लेता है कि अपने छोटे भाई मोकल का ध्यान रखेगा, इसलिए इसको भीष्म पितामह कहा जाता है। चूड़ा के त्याग से प्रसन्न होकर चूड़ा को मोकल का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। नियम बना दिया गया कि मेवाड़ में कि भविष्य में मेवाड़ के राणाओं को सभी पट्टों परवानों और सनदों पर चूड़ा और उसके वंशजों के बाले का निशान अंकित रहेगा। चूड़ा के वंशज सुलुम्बर के रावत कहलाते हैं दोस्तों। आगे चल के कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नहीं है, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों राणा मोकल के विषय में। 1421 से 1433 का इनका समय आता है। जिस समय लखा की मृत्यु हुई तो मोकल तो केवल कितने वर्ष का था दोस्तों, 12 वर्ष का ही हुआ करता था। और जैसा कि राणा लखा ने कहा था तो चूड़ा जो है वो सारे कार्य अच्छे से कर रहा था। अब हंसाबाई जो थी वो ये देखती है हमेशा कि चूड़ा जो है कभी भी गड़बड़ कर सकता है, तो उसको शक की दृष्टि से देखती थी और इसी वजह से परेशान होकर के चूड़ा जो है मेवाड़ को छोड़ करके मालवा के सुल्तान होशंग शाह के पास में चला जाता है। मालवा के सुल्तान होशंग शाह के पास में ये चला जाता है दोस्तों, और यहाँ पर वो काफ़ी समय तक रहता भी दोस्तों। हंसाबाई अब क्या करती है, अपने भाई रणमल को मुकल के संरक्षक के रूप में बुला लेती है और यहाँ से मारवाड़ की एंट्री जो है वो मेवाड़ में हो जाती है, जो काफ़ी समय तक चलती है दोस्तों। और जल्दी ही रणमल क्या करता है, अब यहाँ पर गड़बड़ जो करता है, यही तो रणमल का प्लान भी था दोस्तों। अब रणमल क्या करता है, मेवाड़ पर राठौड़ों को नियुक्त करना शुरू कर देता है और इसी कारण सिसोदिया जो है वो रणमल से नाराज हो जाते हैं। रणमल जो है वो मारवाड़ का ही स्वामी न था, बल्कि यहाँ पर साथ साथ देखिएगा इनडायरेक्टली वो मेवाड़ की सत्ता को भी संभाल रहा था दोस्तों। तो इस तरह से मारवाड़ की एंट्री होती है किसके अंदर, मेवाड़ के अंदर होती है दोस्तों। और इसी के लिए कहा भी गया है ना कि दीवार में आला, खेत में नाला और घर में साला, जब आता है तो वो सब बर्बाद करके ही जाता है दोस्तों। ये यहाँ पर भी इसी के लिए कहा जाता है दोस्तों। हंसाबाई के अविश्वास के कारण चूड़ा जो है वो मांडू चला जाता है और मेवाड़ का प्रशासन भाई रणमल के राठौड़ के नियंत्रण में आ जाता है। जब महाराणा मोकल जीलवाड़ा में गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध पड़ाव डाले हुआ था, तब उसकी हत्या राणा खेता की उपपत्नी के पुत्र चाचा और मेरा के द्वारा कर दी जाती है। इस राणा की हत्या में महपा पंवार जैसे जो सरदार हैं वो भी इसमें शामिल थे दोस्तों। तो इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है राणा मोकल की, और फिर कहानी शुरू होती है महाराणा कुंभा की दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब महाराणा कुंभा जो है वो मोकल की परमार रानी सौभाग्यवती का पुत्र था। अब यहाँ पर उसके सामने जैसे ही वो शासक बनता है तो उसके पास में बहुत सारी दुविधाएं भी थी, बहुत सारे उसके शत्रु भी थे दोस्तों। कुंभा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1423 के अंदर। कब हुआ था दोस्तों, 1423 में। किससे हुआ था, मोकल की परमार रानी सौभाग्यवती से ही हुआ था दोस्तों। अब मोकल की जब हत्या होती है, मोकल की हत्या के समय कुंभा जिलवाड़ा के उसी शिविर में था और वो जो हत्यारे थे वो कुंभा पर भी हमला करते हैं, लेकिन उसको वहाँ से बचा लिया जाता है और फिर कुंभा जो है वो आ जाता है चित्तौड़ के अंदर। और चित्तौड़ के अंदर मात्र 10 वर्ष की आयु में ही उसे गद्दी पर बैठा दिया जाता है, शासक बना दिया जाता है। कब बना शासक, 1433
के अंदर खाली 10 वर्ष की आयु में उसे शासक बना दिया जाता है। अब उसके पास में जैसे ही शासक बना दो समस्याएं थी, एक तो पिता के हत्यारे जो थे, एक तो था चाचा, एक था मेरा, उन दोनों से बदला लेना था। और साथ ही साथ जो उसके पिता का, देखिए मामा जो था राठौड़ का, मेवाड़ में प्रभाव भी बढ़ गया था, दोनों को उससे समाप्त करना था। ये उसके साथ में एक बड़ी ज़्यादा बड़ी समस्या थी। लेकिन वो एक प्रशासक भी था और साथ ही साथ एक बड़ा अच्छा राजनीतिज्ञ भी हुआ करता था। वो अपने दिमाग का प्रयोग करता है और रणमल राठौड़ से अपने पिता के हत्यारों को दमन करने के लिए बुलाता है और रणमल राठौड़ से अपने पिता के हत्यारों चाचा व मेरा की हत्या करवा देता है। इस प्रकार से पहली समस्या हल हो जाती है और फिर उस समस्या देने वाले को ही खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों जो दूसरी जो थी वो थी किसकी समस्या, रणमल की थी। उसे वो है षड्यंत्र करिए 1438 में उसकी भी हत्या करवा देता है। तो इस प्रकार से दोनों से ही, जिसमें भारमली का मुख्य रोल माना जाता है दोस्तों, तो भारमली के कारण जो है वो रणमल मारा जाता है। सिर्फ इतना ही हमें यहाँ पर याद रखना है। कुंभा ने रणमल और राघव देव के नेतृत्व में सेना भेजी, चाचा व मेरा की हत्या करवाई और साथ ही महपा पंवार जो है वो भागकर मांडू चला जाता है। सिरोही के देवड़ा चौहान सहसमल को पराजित कर आबू बसंतगढ़ और पूर्वी सिरोही पर यह अधिकार कर लेता है। आगे से आगे फिर इसका जो प्रशासक है वो चलता रहता है। राव रणमल के नेतृत्व में 1435-36 में हाड़ौती पर आक्रमण किया और बेरोसल को अधीनस्थ किया था। अपने रणमल का मेवाड़ के दरबार में विशेष प्रभाव था, उसी के कारण चूड़ा मालवा चला गया था। रणमल ने चूड़ा के भाई राघव देव की भी हत्या करवाई थी, ये सारा आपने डिस्कस कर चुके हैं। रणमल के विरोधी मेवाड़ी सरदारों ने चूड़ा को मांडू से वापस बुलाते हैं और रणमल की प्रेयसी भारमली से मिलकर के 1438 में रणमल की हत्या करवा दी। इस प्रकार से दोनों का क्या हो गया, दोनों समस्याएं उसकी एंड हो जाती हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं मेवाड़ मारवाड़ संधि के विषय में, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रणमल की हत्या के बाद में चूड़ा को भेजकर राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि रणमल का जो पुत्र था राव जोधा, अब देखिएगा उसके पिता की हत्या थी तो रणमल का जो पुत्र राव जोधा है, राव जोधा को बीकानेर के पास काहुनी गांव में शरण लेनी पड़ती है। लगभग 15 वर्ष 1453 ईस्वी में जोधा ने मंडोर पर पुनः अधिकार किया। राणा ने भी इस संघर्ष को निरर्थक माना और जोधा के साथ में संधि कर ली। अब देखिए हुआ क्या था, अब देखिए रणमल की हत्या इसके द्वारा करवाई थी तो मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर जो है इन दोनों का संघर्ष हो गया था दोस्तों, और ये संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा था। और इस संघर्ष का अंत करने के लिए जो है मेवाड़ मारवाड़ संधि होती है, जिसे हम आवल बावल की संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार राव जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में करता है। दोस्तों इन शॉर्ट मैंने आपको सारी स्टोरी समझा दी है, यहाँ इतना ही काम का है दोस्तों। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सारंगपुर युद्ध के विषय में, जो हुआ था 1437 ईस्वी के अंदर। कारण इसका क्या था, देखिएगा इस युद्ध का कारण था मोकल के हत्यारे महपा पंवार को मांडू में शरण लेना। ये हमने कहा था ना कि चाचा मेरा की तो हत्या हो गई थी लेकिन ये मांडू में चला गया था। मांडू का पूर्व सुल्तान था होशंग शाह का पुत्र उमर खां, उसको कुंभा द्वारा सारंगपुर दिलवाना ये भी था दोस्तों, और साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, ये सारे जो है इस युद्ध के कारण थे। इस युद्ध में कुंभा ने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया, बंदी बना लिया, किंतु 6 माह बाद उसको सहसम्मान मुक्त कर दिया। इस विजय की स्मृति में कुंभा ने चित्तौड़ के किले में कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था दोस्तों। कुंभा ने 1456 में नागौर पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। शम्स खां जो है वो भाग करके गुजरात के सुल्तान के शरण में चला गया। यहाँ से मेवाड़ गुजरात संघर्ष भी आरंभ होता है। किसके कारण हुआ था दोस्तों, शम्स खां के कारण हुआ था। 1456 में गुजरात के सुल्तान कुतुब शाह और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य कुंभा के विरुद्ध चंपानेर की संधि होती है कि हम मिलकर के जो है इसका मुकाबला करेंगे। तो आपको यहाँ पर याद ये रखना है कि चंपानेर की संधि कब हुई थी, 1456 में। किसके बीच में, गुजरात के सुल्तान कुतुब शाह और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य हुई थी, कुंभा के विरुद्ध हुई थी दोस्तों। कुंभा कूटनीति का इस्तेमाल करता है और कुतुब शाह को अलग करता है और 1457 में बदनौर के युद्ध में महमूद खिलजी को पुनः पराजित कर देता है। और इसी उपलक्ष में कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो कुंभा काफ़ी अच्छा राजनीतिज्ञ भी था और शासक भी था दोस्तों। साथ ही साथ हम देखेंगे कि वो कला में भी काफ़ी ज़्यादा निपुण था। 1468 में कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र उदा के द्वारा जो है कुंभलगढ़ में ही कुंभा की हत्या कर दी जाती है। तो ये एक बड़ा सा
विचित्र बात अपने यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों, कुंभा के बेटे ने ही उसकी हत्या की थी दोस्तों। इसका एक सांस्कृतिक पक्ष भी आता है जिसको अपने यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जब संस्कृति पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसका जो किताबों का जो संगीत ग्रंथ है वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी दोस्तों, यहाँ अपने उस पक्ष को नहीं देख पा रही हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों उदयकरण के विषय में, जो 1468 से 1473 तक शासक रहता है। ये जो था जावर और दाड़िमपुर की लड़ाइयों में रायमल से पराजित होता है और मांडू चला जाता है। मांडू में बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो जाती है। उदा, जैसा हमने अभी पढ़ा था कि उदा अपने पिता की हत्या करके जो है वो राजा बनता है दोस्तों।